भगवान के भरोसे मत बैठिए। का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। मैं जिस गांव से आता हूँ वहां तीन चीजें बहुत फेमस है, गेहूं, गन्ना और गुड़। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कस्बे बुढ़ाना में पैदा हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यहाँ की आबो हवा में कुछ बात तो है, लोगों में गुरूर है लेकिन बे इंतहा प्यार भी है। घर है, परिवार है यहाँ, जिंदगी से सुकूनों सरोकार है यहाँ। हम लोग जो थे किसान परिवार से जरूर थे लेकिन जमींदार किस्म के लोग थे। अभी भी जमीनें हैं हमारे पास, काफ़ी खेती बाड़ी होती थी। तो हमारे दादा परदादा का को ये पदवी दी गई थी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद मैं थोड़ा गरीब फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये पहली बार आपने ये क्वेश्चन किया। अच्छी खासी फैमिली रही, जमींदार ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ मैं। तो ये वहाँ से था नाम, और फिर नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाम था मेरा। तो फिर मैंने चेंज कर लिया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ज़्यादा ठीक। यही ये अभी तो खैर ये नाला हो गया, यहीं पर नहाने धोने आते थे हम लोग। अच्छा। भैंसे थे हमारे यहाँ एक्चुअली, तो उनको नहलाने के लिए आते थे हम लोग यहाँ पे। ट्रक जाते थे यहाँ से गन्ने के, अभी भी जाते हैं। ट्रक के पीछे भागते थे और गन्ने निकालते थे ऐसे और सड़कों पर डालते जाते थे। फिर ट्रक निकल जाता था, उन गन्नों को इकट्ठा करके तो पूरा दिन यही बीत जाता था। बीच बीच में टाइम मिलता था स्कूल चले जाते थे। और पतंग उड़ाते थे किसी लड़की को मैसेज देने के लिए। पतंग का ये होता था क्योंकि लड़कियां हमारे यहाँ गांव में क्योंकि बाहर निकलती नहीं थी, और मुस्लिम परिवार की लड़की थी वो, जिससे मेरा इश्क चल रहा था सिर्फ आँखों में। अपनी छत पे खड़ा होकर पतंग उड़ाता था और उसके छत पे डाल देता था और चिट्ठी लिख के, ताकि उसका जवाब आए। लेकिन इत्तेफाक से क्या होता था, हवा का रुख बदल जाता था उस टाइम। तो तीन तीन चार चार दिन का वेट करना पड़ता था कि अब हवा इधर हो, फिर मैं पतंग उठा के फिर बिट डालूँ उसके घर पे, और फिर वो जवाब वापस आए। तो उसमें पाँच पाँच छः छः दिन लग जाते थे। अच्छा, वो वाली छत कहाँ है जिसपे आपकी पतंग खत लेकर जाती थी? मस्जिद के पास ये जो बड़ा घर, नहीं ब्लू कलर का घर, मस्जिद के जो उस तरफ जो पीले पीले रंग का, उससे पहले वाला। आ गई समझ, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लैंडिंग होता होगा यार। तो मोहल्ला है हमारा यहाँ पे, काजी बड़ा बोलते हैं उसको, तो वहीं से निकल के यहाँ आते थे खेलना कूदना पतंग। पेच लड़ी, पेच लड़ी, पेच लड़ी। पहला नंबर ले लिया मेरे भाई ने, क्या बात है। तंग गलियों में छोटे नवाज की बड़े होने तक की हर याद बसी है, हर इंसान से जुड़ी कोई नई शरारत, हर मोड़ पर कोई नई कहानी। एक किसान के बेटे ने एक्टर बनने का ख्वाब देखा और उस ख्वाब को पूरा करने में अपनी सारी लगन, मेहनत और जिद झोंक दी और बन गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आरसीएन नंबर 21-55-78 18 दिसंबर 2006 को लगा था, और लाइफ का पहला केस आईपीसी 435 28 मार्च 1984 कैलाशपुरा थाना। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। आप अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, तो आपके पिताजी कैसे मैनेज करते थे इतना बड़ा परिवार? जनरली उन्होंने बहुत काम ट्राई किए लेकिन कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया उनका। साइकिलों की दुकान भी करते थे फादर, और ये सीमेंट वीमेंट का काम, आरा मशीन भी थी हमारे यहाँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसमें कुछ बचत वचत होती नहीं थी। उनका क्या था कि वो बहुत ही जमींदार फैमिली से पले बड़े थे, और बार्गेनिंग या चीज़ों को बेचना खरीदना ये सब जानते नहीं थे। ज़्यादातर तो वही होता था, ज़मीनें बेच बाच के काम चलाते थे, तो उसका मेरे पे बहुत फ़र्क पड़ता था। तो मैं ये सोचता था हमेशा कि मैं कोई काम करूँ तो पूरी शिद्दत के साथ करूँ, और मैं फ्लॉप नहीं होना चाहता इस तरह का मेरे दिमाग में। उनको देख के, उनकी कंडीशन देख के मुझे होता था हमेशा। डर गया, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कोई डरता है। पता चलता उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी का आता है। जिंदा ही थे तुम,
ये सब? मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ।